हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 4 की शुरुआत गोंगनम से होती है, जो अपने अपार्टमेंट की साफ सफाई कर रहा था। जब वो सेंगुइन के रूम में जाता है तो देखता है कि उसके सारे क्लाइंट्स के रिंग्स गायब थी, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली उसने उनसे छुटकारा पा लिया था। लेकिन उसने बस जीहो के रिंग्स को सही सलामत रखी हुई थी, जो उसका लास्ट क्लाइंट था। सफाई करते टाइम वो ड्रॉअर में बहुत सारी कैंडीज देखता है जो सेंगुइन टेंशन में खाया करती थी, जिसमें से वो अपने खाने के लिए एक कैंडी निकाल लेता है। गोंगनम की मदर ने उसके लिए बहुत सारी किमची बनाकर भेजी थी और उसके ग्रैंडपा के मेमोरियल की याद दिलाती है जो कुछ दिन में आने वाला था। गोंगनम को बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अपने कनाडा जाने वाली बात को नहीं बताया था और उसे अपनी बहनों के लिए सेंटी होते हुए देखते हैं। मीनवाइल जियो सेंगुइन और हेजिन को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो उसे मिली थी। उसने एक मंथ पहले से लेकर अभी तक का फुटेज कलेक्ट किया था और ये देखकर सेंगुइन को रियलाइज होता है कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और वो मन ही मन खुश हो रही होती है। जियो बताता है कि कैमरामैन और अटैकर एक ही है। एक्चुअली में वो कोई हेजिन का जेलस स्टॉकर था और उसने हेजिन और सेंगुइन को मिस इंटरप्रिटेट कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। जिस स्टॉकर ने सेंगुइन पे अटैक किया था वो वास्तव में हेजिन का पीछा करने वाला था और उसने गलत फहमी के कारण सेंगुइन पे अटैक कर दिया था। इसका मतलब ये था कि हेजिन सेंगुइन से ज्यादा खतरे में था। जियो सेफ्टी के लिए सेंगुइन को घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो अपने आप ही चली जाएगी। और जाने से पहले वो उससे गुस्से में पूछती है कि जब उसे उसके साथ जाना नहीं था तो उसने उस कंसर्ट का टिकट क्यों दिया। जियो उसे बताता है कि वो भी उस कंसर्ट को अटेंड करने वाला है, लेकिन वो सोशल इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, इसीलिए उसने नहीं बताया था कि वो भी उस कंसर्ट को अटेंड करने वाला है। इधर हेजिन अपने स्टॉकर से परेशान था, जिससे उसका मैनेजर कहता है कि क्या वो एक न्यू प्राइवेट हाउस देखे। अब वो हाउस चेंज कर करके थक गया था और सार्केस्टिकली बोलता है कि हाँ बिल्कुल, एक प्राइवेट डेजर्ट आइलैंड देखो मेरे लिए। वो आंख बंद करके लेटा हुआ था और वैसे ही उसका सीईओ आता है और कहता है कि क्या ये सो रहा है। वैसे ही हेजिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं सिचुएशन में सो सकता हूँ, और अपने सीईओ को बोलता है कि उसने कहा था कि सबको लॉकअप में डालने के लिए, लेकिन वो बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक स्टॉकर माइनर था और एक उसी के क्लासमेट था और दूसरे स्टॉकर ने उसे 370 बार अपॉलोजीज लिखकर मीडिया को सेंड किया था, तो वो ऐसा एक्शन नहीं ले सकते थे, इससे उसका इमेज खराब हो सकता था। वो हेजिन को बटर लगाते हुए कहता है कि वो सब उसके ड्रामे के बाद ब्रेक ले लेंगे, जिससे उसका शेड्यूल थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और वो प्रॉपर रेस्ट कर सकता है। यहाँ हेजिन के बारे में र्यूमर्स फैला हुआ था कि वो विमेनाइजर है, और इधर मैनेजर को टेंशन हो रही थी कि उस पर ये भी र्यूमर है कि वो गे है। हेजिन को लगता है कि वो उसकी फिक्र कर रहा है, इसीलिए वो उसे ज्यादा टेंशन लेने से मना करता है। लेकिन मैनेजर बताता है कि वो सबसे ज्यादा उसी के साथ रहता है, तो लोगों को ऐसा न लगे कि वो गे है। ये सुन के हेजिन फुलटू गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। कंसर्ट शुरू होने से ठीक पहले सेंगुइन जियो से मिलती है, लेकिन जब वो हॉल में एंटर करती है तो देखती है कि उसने अपनी सीट किसी और के सीट के साथ एक्सचेंज कर ली है और वो सबसे पीछे बैठा हुआ है। जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है तो जियो देखता है कि सेंगुइन उस म्यूजिक को बहुत इंजॉय कर रही है, और पूरा परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है लेकिन वो उसे ही देखे जा रहा था। शो खत्म होने के बाद जियो बाहर अपने बॉस को नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे अकेले क्यों आया है, जबकि उन्होंने उसे सोशलाइज करने के लिए कहा था। बॉस ने उसे टिकट दिया था लेकिन वो अपने कोवर्कर्स को दे नहीं पाया था। ये सुन के वो पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं और जिससे जियो डर जाता है। वो गुस्से में उसको सोशियोपैथ कहते हैं और उसे सुना ही रहे होते हैं कि जब ही अचानक से वहाँ पे सेंगुइन आती है, और जियो अपने बॉस से बचने के लिए कहता है कि सेंगुइन उसकी वाइफ है। ये सुन के उसके बॉस के साथ साथ सेंगुइन भी शॉक में आ जाती है, लेकिन सेंगुइन उसके सिचुएशन को समझ जाती है और वो उसके हेल्प करने के लिए सोचती है, क्योंकि आज फाइनली उसके पास मौका मिला था कि वो अपनी सर्विस जियो को प्रोवाइड करे। इसीलिए वो उसका हाथ होल्ड करके बोलती है कि वो उसकी वाइफ है, और इसके बाद वो जियो सेंगुइन बॉस और उनकी वाइफ डिनर पर जाते हैं। बॉस और उसकी वाइफ बताते हैं कि वो अपने कोवर्कर्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करता है और अपने ऑफिस में पॉपुलैरिटी के मामले में सबसे लास्ट प्लेस पर है और अवॉइडेंस के मामले में सबसे नंबर वन। ये सब सुन के जियो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे ये सब सेंगुइन के सामने ही सुनने को मिल रहा था। बॉस सेंगुइन से कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं था क्या,
जिसे सैंगन बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये घर पे हमेशा अपने कोवर्कर्स की बातें करते हैं और उन्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े से शाय हैं इसीलिए बोल नहीं पाते हैं। ये सब सुनने के बाद जियो का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। बॉस जियो से कहता है कि इसने अपनी वेडिंग में हम लोगों को इनवाइट भी नहीं किया, जिससे जियो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। इसीलिए सैंगन एक पूरी स्टोरी बनाती है कि कैसे उन्हें सीक्रेटली शादी करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये सुन के जियो के होश उठ जाते हैं। सैंगन कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि दूसरे उसके बारे में कोई गॉसिप करे, और यहाँ पे एनवायरमेंट पूरी तरीके से इमोशनल हो जाता है। लेकिन जियो का बॉस चाइल्ड के बारे में पूछता है और सैंगन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। जब भी बॉस की वाइफ बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुमने उस बच्चे को खो दिया, और वो इमोशनली उसको सपोर्ट देने लगती है, और यहाँ सैंगन भी उदास होकर नाटक करने लगती है, और यहाँ जियो उसके एक्सप्रेशन को ही देख रहा होता है। जियो का बॉस हैरान था, लेकिन वो उसके लिए खुश भी नजर आ रहा था। डिनर के बाद दोनों हाथ में हाथ डाले बॉस और उनकी वाइफ को सी यू करते हैं। बॉस के जाने के बाद दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि एक बाइक सैंगन के सामने से आती है, और जिससे वो डर जाती है क्योंकि उसे उसी रात का इंसिडेंट याद आता है जब अटैकर ने उस पर अटैक किया था, और वो घबराने लगती है, जिससे जियो उसको कवर कर लेता है। जियो सैंगन से बाकी बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन को कंप्लीट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे स्टॉकर को ढूंढना था, और इसी बीच सैंगन सोशल इंटरेक्शन में उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। गोंगनम अपनी फैमिली को मिस कर रहा था क्योंकि वो कुछ दिनों में कनाडा जाने वाला था, और वो इमोशनल होकर सैंगन को अपनी बहनों के साथ बिताए गए मोमेंट्स के बारे में बताता है। सैंगन पूछती है कि क्या वो अपनी फैमिली को नहीं बताने वाला है कि वो कनाडा जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो उनको बता देगा, और सैंगन से पूछता है कि वो नहीं बताएगी, जिसे सैंगन कहती है कि उसका कोई है ही नहीं जिसे वो बताए। जब भी हम मिस मीहो को देखते हैं जो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट के साथ एक लैंड की डीलिंग के लिए आई हुई थी, बट वो लैंड गवर्नमेंट ग्रीन बेल्ट के अंडर था। बाद में हम जियो के बॉस को देखते हैं जो जियो को उन सबको डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहता है, लेकिन जियो साफ इनकार कर देता है, पर बॉस उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और कहता है कि उसने ऑलरेडी सबको बता दिया है। ये सुनकर जियो कहता है कि वो अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं। उसका बॉस कहता है अच्छा हम कोर्ट में ही है, तुम मुझे सीव कर सकते हो, और मैं भी बता दूंगा कि मैंने तुम्हें $300 का कंसर्ट टिकट दिया, लेकिन तुमने उस टिकट का इस्तेमाल अपनी वाइफ के साथ डेट पे जाने के लिए किया, और इस तरह मैं तुम्हें पॉपुलर बना दूंगा। और ये सुन के जियो कहता है कि नेक्स्ट फ्राइडे कैसा रहेगा। बॉस कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने इतना क्विक डिसीजन लिया, और उसे टैप करके चला जाता है। एंड दिस सीन वॉज सो हिलेरियस। मिस मीहो गंगजिन ग्रुप और उस आर्किटेक्ट के बीच में डील करवा देती हैं। बाद में वो आर्किटेक्ट कुछ पास्ट ग्रजेस के कारण मिस मीहो को धोखा दे देता है और उनके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की रिपोर्ट इना ग्रुप से कर देता है। वैसे तो सैंगन ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे, लेकिन एक क्लाइंट के बुलाने पर वो उसके पास जाती है क्योंकि उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी और आज उनका फ्यूनरल था। उसका क्लाइंट बताता है कि आपको याद है उस दिन का इंसिडेंट जब हम डिवोर्स लेने वाले थे और उसकी मदर ने सैंगन को मिलने के लिए बुलाया था। सैंगन उस इंसिडेंट को कैसे भूल सकती थी। क्लाइंट की मदर उन दोनों के डिवोर्स के बारे में सुन के वो सैंगन पर गुस्सा करने लगी थी और उन्होंने उस पर पानी उड़ेल दिया था, जिससे वो क्लाइंट अपनी मदर पर बहुत गुस्सा करने लगा था। यहाँ सैंगन अपने डॉटर इन लॉ की फर्ज निभाती है और वो सबको बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। जब भी उस क्लाइंट की बहन अपनी मदर का एक लेटर देती है जो सैंगन के लिए था, सैंगन उस लेटर को पढ़ती है और उसके बाद वो क्लाइंट से फाइनल गुड बाय करती है, और क्लाइंट उसे पैसा देता है कि वो आज आई थी, और सैंगन उसके मदर का लेटर उसे देती है। जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसमें सैंगन को लिखा था कि वो उनके डिवोर्स से बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी, उन्हें कैंसर था और वो एक सिंगल मदर थी, इसीलिए उन्हें अपने बेटे की चिंता हो रही थी कि उनके जाने के बाद उनके बेटे का क्या होगा। इसीलिए वो सैंगन को उसे एक मौका देने के लिए कहती हैं, बट उनको क्या पता था कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। क्लाइंट को रोते हुए देखकर सैंगन भाग के उसके पास आती है और उसे एक कैंडी खाने के लिए देती है ताकि वो ना रोए, और जाते जाते वो क्लाइंट द्वारा दिए गए पैसे को कंडोलेंस बॉक्स में डाल के चली जाती है। गैंगजिंग ग्रुप में मिस मीहो को डीलिंग के लिए पैसे कैश में दिया गया था, जिससे वो समझ जाती है कि लैंड की वजह से आगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो सारा ब्लेम उन पर ही आएगा। गैंगजिन ग्रुप और उस फेमस इंटरनेशनल आर्किटेक्ट के बीच में ब्रोकर के रूप में काम करने की वजह से मीहो मुश्किल में पड़ गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। रात में डिनर के लिए सैंगन जियो के घर पर आई हुई थी, लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था कि उसके बॉस ने डिनर के लिए सारे कलीग्स को उसके घर पर इनवाइट किया है और उसे परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि वो कुछ दिनों में रिटायर होने वाली थी। अब कैसे ना कैसे करके उसे अपने कलीग्स के साथ डिनर करना था, इसीलिए वो सैंगन से एडवाइस देने को कहता है कि वो अपने सोशल स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करे, और वो उससे कहता है कि क्या शॉर्ट पीरियड में फिक्स नहीं कर सकते हैं। सैंगन कहती है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है, और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। वो जियो को उसकी आंखें बंद करके मसल को रिलैक्स करने के लिए कहती है और
और उसे ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि जैसे वो एयर में फ्लोट कर रहा हो। यहाँ वो जैसे जैसे कहती है वो वैसे वैसे करता जा रहा था और वो बहुत ही फनी नजर आ रहा होता है। वो उसे समझा ही रही होती है कि अचानक से स्लिप हो जाती है और वो चीहो के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और वो कंटिन्यूसली एक दूसरे को बहुत देर तक देखते हैं। थोड़ी देर बाद सेंगुन के पास गोंगनम की कॉल आती है और वो उसे मिस मियो के बारे में बताता है और वो न्यूज देखती है कि मिस मियो ने उस आर्किटेक्ट के साथ $15 million का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो इलीगल लैंड था जो गवर्नमेंट ग्रीन बेल्ट के अंदर था। जियो सेंगुन को परेशान होते हुए देखकर पूछता है कि क्या वो उन्हें जानती हैं, लेकिन वो बताने के कंडीशन में नहीं थी। जियो किसी से कॉल पे पता लगा के उसे बताता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट गैंगजिन ग्रुप के कहने पर साइन किया था, लेकिन अब वो लोग पीछे हट रहे हैं और उन्होंने $7.5 million का चार्ज मिस मियो पे लगाया है। जियो पूछता है कि क्या वो उनके बहुत क्लोज है, जिसे सेंगुन मना कर देती है और कहती है कि उन्होंने बस उसे रेस किया था और वो उनकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट फेलियर है। गोंगनम अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल में जाता है और वहाँ पे उसकी बहनें उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और वो अपने घर से अपने परिवार के साथ लड़कर वापस आ गया था और उन्हें बता दिया था कि वो कंट्री छोड़कर जा रहा है, जिससे उसकी मदर रोने लगी थी। एक बेटे के रूप में गोंगनम से उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उसे फैमिली का सन होना बहुत सा लग रहा था। हेजिन अपना शूट करवा के बाहर आता है जहाँ उसकी बहुत सारी फैंस उसका इंतजार कर रही थी और वहाँ वो हेलमेट पहने हुए स्टॉकर को भी नोटिस करता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो कोई और ही था। और यहाँ वो मिस मियो का न्यूज़ देख रहा था और उसे याद आता है कि वही सेंगुन को लेकर उसके फैमिली से मिलाने के लिए आई थी। वो घर जा ही रहा होता है कि उसका CEO उसे ऑफिस बुलाता है और हेजिन बिना मेकअप रिमूव किए उसे मिलने आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसकी और सेंगुन उस रात वाले इंसिडेंट की कुछ फोटोज मीडिया वालों के हाथ लग गई थी और सब जानना चाहते थे कि हेजिन के साथ वो लड़की कौन है। बेचारा CEO फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो हेजिन से सेंगुन के बारे में पूछता है, लेकिन हेजिन उसको कुछ नहीं बता रहा था, जिससे CEO बोलता है कि हम मीडिया वालों को ऐसे बता देते हैं कि तुम गे हो और सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, जिससे वो उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि गे बता देंगे तो मीडिया वाले चुप थोड़ी ना बैठ जाएंगे। जियो रियलाइज करता है कि वो सेंगुन के बारे में कुछ नहीं जानता है, जब ही हमें पता चलता है कि सेंगुन को अडॉप्ट किया गया था और उसे मिस मियो ने ही रेस किया था ताकि बाद में जाके उसे इना ग्रुप का हायर बनाया जाए, लेकिन सेंगुन उनके लिए एक फेलियर साबित हुई। सेंगुन बचपन में मिस मियो को मदर कह के बुलाती है, जिससे मिस मियो उसे समझाती है और कहती है कि वो उसकी मदर नहीं है बल्कि कंसल्टेंट है और उसे एक परफेक्ट लेडी बनाने के लिए हायर किया गया है। यहाँ सेंगुन के लिए कर्ज और गिल्ड से बाहर निकलने का मौका था और उसने इसका इस्तेमाल मिस मियो को बेल करवाने के लिए कर दी है और वो गैंगजिन ग्रुप को $7.5 million पे कर देती है। इधर हेजिन के अपार्टमेंट के बाहर मीडिया वाले उसके इंतजार में खड़े थे ताकि वो सेंगुन के बारे में पता लगा सके, जब ही वहाँ पर जियो जॉगिंग करते हुए आ रहा होता है और उसने हाफ ट्रैक पैंट पहना हुआ था। वो मीडिया वालों को देखकर अपना फेस छुपाने लगता है और वहाँ से इतनी तेज से भागता है। दिस सीन वाज सो फनी। हेजिन के गे होने और एक ह्यूमनाइजर होने की अफवाहें लगातार फैल रही थी और उसके फादर इससे परेशान हो गए थे और वो उसे घर लौटने और एक बिजनेसमैन की डॉटर से शादी करने के लिए कहते हैं। हेजिन उनसे थक गया था और वो अपने अपार्टमेंट लौटता है। सेंगुन अपनी कार और बिलोंगिंग्स को बेच देती है ताकि वो मिस मियो को बेल करवा सके। जब वो घर आती है तो देखती है कि गोंगनम ने सारी पैकिंग कर ली है। कनाडा जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है, जिससे वो उसे कनाडा जाने का प्लान कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। बाद में वो कॉल करके गोंगनम से माफ़ी मांगती है कि उसको प्लान कैंसिल करना पड़ा, लेकिन गोंगनम उसके साथ था और वो कहता है कि उसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो डिसाइड करता है कि अगर वो कनाडा नहीं जाएगी तो वो भी नहीं जाएगा और वो कोरिया में ही रहने का फैसला करता है। सेंगुन मिस मियो के कारण बेहद तनाव में थी और वो जियो के घर जाती है क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, लेकिन जियो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो कंपनी के लोगों के साथ डिनर पर आया है। जियो पहली बार कंपनी के डिनर पर गया था क्योंकि वो उन्हें घर पर इनवाइट नहीं करना चाहता था और सेंगुन को परेशान नहीं करना चाहता था। हालांकि सेंगुन उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर अकेले डिनर कर सकती है, जिससे जियो उसे हाँ बोल देता है, लेकिन उसे ये बात बॉदर करती है कि सेंगुन अपने घर क्यों नहीं जा रही है और वो वहाँ पे अकेले डिनर क्यों कर रही है। वो उसके बारे में सोच के परेशान हो रहा था। यहाँ हेजिन अपने अपार्टमेंट के बाहर कार में बैठा हुआ था क्योंकि रिपोर्टर्स उसके इंतजार में उसका वेट कर रहे थे। हेजिन की मदर कॉल करती हैं और उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी ताकि वो सेटल हो जाए क्योंकि उसके गे होने का र्यूमर फैला हुआ था। वैसे ही हेजिन की नज़र सेंगुन पे पड़ती है जो उसी की तरफ अकेली चलती हुई आ रही थी और वो अपनी मदर को कहता है कि आप यही चाहती हैं ना कि मैं सेटल हो जाऊँ, जिससे उसकी मदर हाँ बोलती हैं और कहती हैं कि गैंगजिन ग्रुप अपने बच्चों को अरेंज मैरिज के लिए फोर्स नहीं करते हैं। हेजिन सेंगुन की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर आप यही चाहती हैं तो अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वो
भाग के सेंगुन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको सॉरी बोलता है और उसे एक गॉगल पहनाकर उसका फेस स्कार्फ से कवर कर देता है। दूसरे साइड जियो अपने कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है और सब चीयर्स एल्कोहल के साथ कर रहे होते हैं और जियो अपना छोटा सा विस्की चॉकलेट के साथ। बाद में उसके सबॉर्डिनेट उसके घर डिनर के लिए पूछते हैं लेकिन वो बताता है कि उसकी वाइफ फॉरेन कंट्री जा रही है तो पॉसिबल नहीं है। वो जान के एक्सक्यूज बना रहा होता है। इधर हेजिन सेंगुन को मीडिया के सामने ले जाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि वो गे नहीं है और वो किसी लड़की के साथ रहता है। दूसरे साइड जियो के कलीग्स भी हेजिन का ही न्यूज़ देख रहे थे लेकिन जियो सेंगुन के बारे में सोच रहा था और उसका माइंड कहीं और ही था। लेकिन अचानक से उसकी नज़र न्यूज़ पे पड़ती है जहाँ वो देखता है कि हेजिन सेंगुन का हाथ पकड़े बोल रहा है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं और उस टाइम सेंगुन ने जियो की रिंग पहनी हुई थी। ये सुन के जियो और सेंगुन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जियो आज पहली बार सेंगुन और हेजिन को एक साथ देख के गुस्से में दिख रहा था और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।